हेलो एवरीवन, आई होप ऑल यू आर डूइंग वेल। लास्ट एचपी टेट मैथ सॉल्यूशन आपने देख लिया होगा 2019 का। इस वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 2018 नॉन मेडिकल मैथ सॉल्यूशन फॉर एचपी टेट। तो अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। इट्स ऑल फॉर यू। और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अप्रिशिएशन मिलता रहता है फॉर न्यू वीडियोस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 4x³ माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय x प्लस 2, चलो मैं भी बता देती हूँ कैसे सॉल्व करना है। x प्लस 2 हमें क्या करना है, पहले इस टर्म को सॉल्व करना है, इससे हम डिवाइड कर देंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा, 4x² बच गया, पर आ जाएगा 4x², और फिर इससे डिवाइड करके अगेन इस वाली टर्म को पहले इससे डिवाइड कर सॉरी मल्टीप्लाई करना होता है, देन सेकेंड से मल्टीप्लाई करना होता है। ये कैसे आ जाएगा, 4x³ माइनस, अब इसको 2 से करेंगे, प्लस है 8x² आ गया, साइन चेंज, नेगेटिव नेगेटिव दोनों कैंसल आउट, एंड ये बन गया माइनस 11x² प्लस 2x माइनस 1। इसी तरह आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 11x माइनस 11x² नेगेटिव 22x, पॉजिटिव पॉजिटिव कैंसल आउट, एंड 24x माइनस 1 अगेन हमारे पास आ जाएगा, प्लस 24, 24 से 24 कैंसिल आउट हो जाएंगे, देन पॉजिटिव 48, और जब टर्म चेंज हो जाएगी देन लास्ट में बन जाएगा माइनस 49। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन में अवेलेबल है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय 11 प्लेयर्स ऑफ द क्रिकेट टीम इज 60। एवरेज जो है फॉर कितने का, 11 प्लेयर्स के लिए एवरेज है 60। ठीक है, इफ द रन स्कोर्ड बाय द कैप्टन आर निगलेक्टेड द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय द रिमेनिंग प्लेयर इंक्रीजेस बाय 5। हाउ मेनी रन्स वर स्कोर्ड बाय द कैप्टन। तो 11 के लिए जो एवरेज है वो कितना आ गया, 60, इसलिए आ गया हमारे पास 660। देन उसके बाद एक कैप्टन को हटा दें अगर, तो प्लेयर हो गया, मतलब बन गया ये 65। तो 10 × 65 कितना हो जाएगा, 650। हम क्या कर देंगे, 660 में से 650 कम कर देंगे और हमारे पास बच गया 10। ठीक है, तो कितने स्कोर किए थे उस एक प्लेयर ने, मतलब कैप्टन ने, 10। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी डेज विल 36 मैन टेक टू कंप्लीट ए जॉब विच 24 मैन टेकन 48 डेज टू फिनिश। 24 मैन एक काम को खत्म करने के लिए कितना डेज लेते हैं, 48। तो एक कितना लेगा, 48 × 24, और 36 कितने लेंगे, जो भी आपके पास के सॉल्यूशन होगा, मतलब जो भी निकलेगा आगे, जिसे मैं एक्स मान रही हूँ, अपॉन 36 करके आपका आंसर आ जाएगा। और आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए, आप प्लीज कैलकुलेशन कर लेना, मैं अभी ये कैलकुलेशन नहीं कर रही, आप ये जब करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सॉल्यूशन निकल आएगा, सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, द विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज 3/4 ऑफ इट्स लेंथ। एक रेक्टेंगुलर हॉल है जिसकी विड्थ दी गई है 3/4 ऑफ इट्स लेंथ, मतलब इस तरह एक रेक्टेंगल है, ये लेंथ आ गई, इसकी ब्रेड्थ आ गई। तो अगर लेंथ हम मान ले एक्स, तो इसकी जो ब्रेड्थ है वो कितनी आ जाएगी, या विड्थ कितनी आ जाएगी, 3/4 ऑफ द लेंथ। इफ द एरिया ऑफ द हॉल, 300 एरिया भी दिया है, और एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है एक्स, ब्रेड्थ है 3/4 अपॉन एक्स, 3/4 × x, और ये कितना बच गया, 3/4 x² बन गया। देन द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड द विड्थ इन मीटर्स, हमें क्या निकालना है इनका डिफरेंस। तो एरिया दिया गया है 300 के बराबर, आप इसको 300 × 4 करके एक्स 20 आ गया, मतलब लेंथ हमारे पास 20 आ गई। देन ब्रेड्थ की वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे आप कितना पुट कर लोगे, 25,
एंड ये आ गया ब्रेड था आपके पास 15। तो लेंथ माइनस ब्रेड हमें डिफरेंस निकालना है, 20 माइनस 15 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ तो आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हो और फॉर्मूला चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा और बीटा रूट्स हैं इक्वेशन की, देन 1/α³ प्लस 1/β³ इज इक्वल टू, तो 1/α³ प्लस 1/β³ की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जब भी अल्फा बीटा रूट सी गई होती हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ये आप इसका कॉफिशियंट देख लो, ये ए कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वेयर का कॉफिशियंट 1, देन बी आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ये इक्वेशन किसके बराबर होती है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो कंपेयर करें, ए 1 के बराबर है, बी 2 के बराबर है एंड सी 4 के बराबर है। और जब भी अल्फा बीटा रूट सी गई होती हैं तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और अल्फा बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए के बराबर, ये राइट डाउन कर लो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, अब बी की वैल्यू है 2 माइनस 2 अपॉन ए जो 1 के बराबर है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया, एंड अल्फा बीटा कितना आ गया सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 4 एंड ए की वैल्यू 2, इट मीन्स अल्फा बीटा किसके बराबर आ गया 4 के बराबर, ये लिख लिया। देन अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हम फॉर्मूला लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब का फॉर्मूला, किसके बराबर आ जाएगा ये, इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा के बराबर। ठीक है, या फिर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने लिखी थी, कितनी थी आई थी हमारे पास 2 के बराबर, माइनस 2, माइनस 2 होल क्यूब। देन रुको फिर से सॉल्व करती हूँ इसे, फॉर्मूला आपने लिख लिया, हमें क्या फाइंड आउट करनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस 2 होल क्यूब लिख लेती हूँ, देन 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 4, और अल्फा प्लस बीटा की अंदर वैल्यू माइनस 2, फिर से ये कितना आ जाएगा माइनस 8 के बराबर, देन 12 माइनस प्लस 24 एंड इज इक्वल टू 16 आ गई अल्फा क्यूब प्लस बीटा, सॉरी स्क्वेयर लिखा है, बीटा क्यूब की वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, इसका फॉर्मूला देख लो, ए प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला, वहां से मैंने ये चीज फाइंड आउट कर ली जो मेरे पास 16 के बराबर आ गई। क्लियर, देन अब क्या करना है हमें, हमें तो फाइंड आउट करना है 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। ठीक है, तो इसके लिए अब इसी इक्वेशन का हम यूज करेंगे, 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब लो या होल क्यूब लिख लो, एक ही बात हुई दोनों। अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब हमने निकाला 16 के बराबर है, एंड अल्फा बीटा की हमारे पास कितनी वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है 4, और 4 का क्यूब कर दिया। ठीक है, तो 16 अपॉन 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 से 4 कैंसल आउट, 4 से 4 कैंसल आउट, और आंसर आ गया 1 अपॉन 4, जो कि हमारे पास डी ऑप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 21 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रेवोल्यूशन विल इट मेक इन ट्रेवलिंग 924 मीटर। तो जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने होंगे तब हमें क्या फार्मूला लगाना होगा, रेवोल्यूशंस के लिए मैं लिख रही हूँ आर या एक्स लिख लो, आर इज इक्वल टू टोटल जितना भी डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस डी से डिनोट कर रही हूँ, अपॉन वन रिवोल्यूशन के लिए जितना डिस्टेंस, वन रिवोल्यूशन के लिए टोटल डिस्टेंस जितना कवर कर रहे हो, या आप बोल सकते हो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ठीक है,
क्योंकि व्हील कैसी शेप में होता है, सर्कमफ्रेंस की शेप में। ये हमारा फॉर्मूला हो गया, और ये आर हमें फाइंड आउट करना है, जहाँ पे डिस्टेंस हमारे पास कितना गिवन है, 924। अब एक चीज़ सेंटीमीटर है, दूसरी मीटर में, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, इतना सेंटीमीटर बन गया। और आर दिया है किसलिए, हमें हमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल या व्हील कितनी आ गई, 2 × 22/7 × 21 3, ये आ जाएगा 1 निकाल सकते हो, जो कितना आ जाएगा 700। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आर फॉर नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस या हाउ मेनी रेवोल्यूशन, डी फॉर डिस्टेंस जो कि गिवन था हमारे पास, एंड सी फॉर सर्कमफ्रेंस जो हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इस तरह फॉर्मूला हम यूज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एच सी एफ ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ 3/4, 9/10 एंड 15/16। इनका जो रेसिप्रोकल है उसका एच सी एफ निकालना है, तो पहले रेसिप्रोकल कर लेते हैं टर्म्स को। 4/3 बन गई, 10/9 बन गई एंड 16/15। अब एच सी एफ निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ये वाले जो न्यूमिनेटर है इसका एच सी एफ निकाल लेंगे और डिनोमिनेटर का एल सी एम निकाल लेंगे, और इस तरह से हमारे पास ये रैशनल नंबर्स की का सी एफ मिल जाएगा। तो अगर एच सी एफ की बात करें, तो 4 का HCF 2 × 2 = 10, 5 × 2 = 16 के केस में आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 2, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया 2। और इनका एलसीएम 3, 9 एंड 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 3 और 5, और ये आ गया 45 के बराबर। सो 2/45 इज आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 raised to power x plus 2 is equal to 3, then value of x, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लिख सकते हैं हम, चलो पहले पूरा लिखती हूँ, -2 raised to power x plus 2, इस तरह आ गया हमारे पास। अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकती हूँ, और 2 raised to power x into 2 raised to power 4 -2 raised to power x into 2 raised to power 2। अब 2 raised to power x हमारे पास कॉमन आ गया, और 2 raised to power 4 -2 raised to power 2 ये हमारे पास अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना बच जाएगा, 2 raised to power 2 into 2 16 आ गया एंड 4 आ गया, तो हमारे पास कितना आ गया, 2 raised to power x into 12। 12 को हम क्या करेंगे, अगर दूसरी साइड ले जाते हैं तो 3/12 बन गया, 3/4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 1/4 वैल्यू आ गई, अगर मैं 4 को ऊपर ले जाती हूँ, और या मैं 1/4 को और कैसे लिख सकती हूँ, 2 raised to power 2। अब इसको ऊपर ले गई तो 2 raised to power -2 बन गया, दूसरी साइड है हमारे पास 2 raised to power x is equal to, अब 2 raised to power -2, यहाँ पे x की वैल्यू अब इसके बराबर आ जाएगी, जो आ जाएगी -2। सो -2 इज आर राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मोड इज 35.5 एंड मीन इज 22, देन मीडियम इज। अब इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन -2 मीन, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको सिंपली अब जो मोड की वैल्यू दी गई है यहाँ पे पुट कर लोगे, मीन की वैल्यू दी गई है यहाँ पे पुट कर लोगे, और इक्वेशन राइट एंड लेफ्ट एंड साइड आपको पता ही है, देन मीडियम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया, अब सॉल्व आप खुद करोगे, राइट आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 4√3³ cm, देन द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। हमारे पास एरिया दिया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इस तरह की होगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, और नॉर्मल जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना है, √3/4a² ए यहाँ पे क्या है, साइड है, और गिवन भी है हमारे पास 4√3। तो दोनों को हमने कंपेयर कर दिया इक्वेशन को, और a² कितना आ गया हमारे पास 16, देन a की वैल्यू आ गई 4, मतलब हमारे पास जो साइड है वो कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर,
हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वेयर हुज साइड, जो लेंथ है एक स्क्वेयर दिया गया है और उसकी जो डायगोनल की लेंथ है वो दी गई है इक्वल टू द हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हाइट आ गई इक्विलेटरल ट्रायंगल की, उसकी हाइट के बराबर दी गई है। ठीक है, तो अब हमें साइड गिवन है, हम क्या, अगर जब हमारे पास साइड गिवन होती है तो हम बोल सकते हैं कि जो हाइट है उसका फॉर्मूला हाइट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, अंडर रूट 3/2, मतलब हाफ करके एरिया का इंटू ए। से 2 कैंसल आउट और हमारे पास ये क्या आ गया, 2√3। हमारे पास आ गई हाइट ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल और जितनी हाइट है इक्विलेटर ट्रायंगल की उतनी ही लेंथ है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। तो हमारे पास राइट आंसर आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 13 इज। एवरेज निकालना है ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ कंजुगेटिव ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 13। 1 to 13 तक कितने ऑड नंबर्स हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड 13। टोटल कितने हो गए, एन कितना हो गया, 7 हो गया। अब इसका सबका स्क्वेयर आप फाइंड आउट कर लो, 1 का 1, 3 का 9 आ गया 25, 49, 81, 121 एंड 169, इन्हें ऐड अपॉन 7 करके हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कितना होगा, 65 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट है, इफ एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, देन एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल टू। एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है और सिंपली हमें इस इक्वेशन में पुट करना है, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, तो चलो ऐड कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है, ए, और स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर कर दिया, देन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वेयर आ गया अपॉन ए स्क्वेयर, प्लस वाई की भी वैसे वैल्यू पुट कर दो, बी स्क्वेयर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर से बी स्क्वेयर कैंसिल आउट, ए स्क्वेयर से ए स्क्वेयर कैंसिल आउट, क्या बच गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वेयर, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वेयर बच गया, जो हम कैसे वैसे आगे, प्लस साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 sin थीटा कॉस थीटा। अब इसकी वैल्यू जो है आपको पता है आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक 1 के बराबर होती है, इसकी भी सेम 1 के बराबर हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बच गया, और ये एक पॉजिटिव की टर्म आएगी एक नेगेटिव की, दोनों कैंसिल आउट, तो 1 + 1 बच गया इज इक्वल टू 2। हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 के बराबर, मतलब सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹12,000 डिपॉजिटेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल इन 5 years। इफ इट इज डिपॉजिटेड फॉर 20 years ऑन द सेम कंपाउंड इंटरेस्ट देन दिस अमाउंट बिकम्स। हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है 12,000 और हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है आफ्टर 20 years, बट उसके पहले हमें गिवन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट 5 साल बाद जितना प्रिंसिपल अमाउंट है उसका डबल हो जाता है। तो पहले तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए डिनोट कर रही हूँ मैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, पी फॉर प्रिंसिपल वैल्यू, 1 + r r रेट के लिए अपॉन 100, रेस्ट पार टी टी यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अब बोला जितना हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट था इन कंपाउंड इंटरेस्ट 5 साल में उसका डबल हो जाता है, तो 12,000 का डबल कितना हो गया, 24,000 इज इक्वल टू 12,000 1 + r/100 रेज टू पावर टी कितने सालों के लिए था, 5 सालों के लिए। ठीक है, अब ये कितना बच गया, 2। सो यहाँ पे इक्वेशन 1 आप लिख लोगे, 1 + r/100 इज इक्वल टू 5 में दूसरी साइड ले गई तो अपॉन में चल जा गया ये 2√1/5, इक्वेशन नंबर 1 मान लो। ठीक है, क्योंकि हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट हम करेंगे लिख लिया आपने, देन फिर अब हमें निकालना है आफ्टर 20 इयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 12,000 प्रिंसिपल अमाउंट सेम रही, 1 + r/100 फॉर्मूला सेम रहेगा, बस टी की वैल्यू अब 5 की जगह कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी।
अब इक्वेशन वन से आप 1 + R/100 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, ठीक है? कितनी थी 1 + R/100 की वैल्यू? 2^5 और बाहर 20 है। हमने पहले भी इस तरह से पावर वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था लास्ट वीडियो में, तो ये कितना आ गया, 2^4 बन गया। 2^4 कितना होता है, इंटू 16 आ गया, ठीक है? 16 होगा। देन आप कैलकुलेट कर लो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है? सॉल्व करके देख लो, आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 192,000 के बराबर आएगा, मतलब वो हमारे पास डी ऑप्शन है, बट बाकी आप फिर से एक बार कैलकुलेट करके भी देख सकते हो खुद से, ठीक है? फॉर्मूला वही रहेगा, बता दिया मैंने, आंसर जो भी आएगा वो वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, एक कार्ड ड्रॉ किया गया, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हर्ट और डायमंड, कितनी प्रोबेबिलिटी है हर्ट और डायमंड आने की? तो हर्ट के भी कितने कार्ड्स होंगे, 13, डायमंड के भी 13 होंगे, टोटल हो गए 26, और प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी फिर, 26/52, ठीक है? क्योंकि हर्ट का भी हो सकता है, डायमंड का भी हो सकता है, और ये कितना आ जाएगा, 1/2 ए इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन एंड सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 2 sin θ + 3 cos θ is, जो भी मैक्सिमम वैल्यू पूछी है और इस तरह हमारे पास दिया गया है 2 sin θ + 3 cos θ, आपने क्या फॉर्मूला यूज करना, √a² + b². अब यहाँ पे कंपेयर कर लो इस इक्वेशन से जो हमारे पास क्वेश्चन है उसको, अगर इसको इक्वेशन वन मान लें, इक्वेशन टू कंपेयर करो इक्वेशन वन एंड टू को, तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2, तो 2² आ गया, बी की वैल्यू 3, 3² आ गया, अंडर रूट, देन 4 + 9 अंडर रूट, एंड अंडर रूट 13 इज द राइट आंसर। सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, √13 हमारा राइट आंसर होगा, क्लियर? सो आज इस वाली वीडियो में सिर्फ 15 क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।